हेलो प्रोग्रामर्स, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। सो बेसिकली हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज का इनहेरिट होकर के चाइल्ड में आना। जैसे कि हम ह्यूमंस में हेरिडिटी होती है, जो हमारे पेरेंट के फीचर्स होते हैं वो इनहेरिट होकर के हम लोगों में आते हैं, बच्चों में आते हैं। मतलब वैसे ही सेम इसी फीचर को प्रोग्रामिंग में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया गया है। इनहेरिटेंस वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग में मतलब होता है पहले से बनी हुई किसी क्लास के मेंबर्स को रीयूज करना इनहेरिट करके किसी चाइल्ड क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन ए क्लास विच इनहेरिट्स द फीचर्स फ्रॉम एन ओल्ड एग्जिस्टिंग क्लास। पाइथन हमें अलाउ करती है कि हम एक नई क्लास बनाएं और उसे इनहेरिट करें किसी ओल्ड एग्जिस्टिंग क्लास से, ताकि पुरानी क्लास के फीचर्स जो है वो नई क्लास में डायरेक्टली आ जाएं और नई क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्हें यूज किया जा सके। द ओल्ड एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड एज द बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। अब जो क्लास पहले से बनी हुई है, जिसके फीचर्स हम चाइल्ड में लेकर के आ रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, वो क्लास हमारी कहलाती है पेरेंट। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है बच्चों के क्या होते हैं, पेरेंट। ऐसे ही जो पुरानी क्लास है, इसके फीचर नई क्लास में आ रहे हैं, वो क्लास कहलाएगी पेरेंट क्लास। बेस क्लास भी बोल सकते हैं और सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। व्हाइल न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम ओल्ड क्लास इज कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास और सब क्लास। जबकि जो नई क्लास हम बना रहे हैं, जो पुरानी क्लास से फीचर्स को रिसीव कर रही है, उसे हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। जैसे हमारे पेरेंट के चाइल्ड होते हैं हम, उसी तरह से, या डेराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं, और सब क्लास भी इसी को बोला जाता है। द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास एंड कैन ऑल्सो एड इट्स ऑन फीचर्स। पाइथन में जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो पेरेंट क्लास के सभी फीचर्स को इनहेरिट करती है और साथ में खुद के नए फीचर्स भी ऐड कर सकती है। ये थोड़ा सा अलग है बाकी लैंग्वेजेस जैसे C++ या जावा से। वहां पे क्या है, विजिबिलिटी मोड्स होते थे, वो यहाँ पे नहीं है अभी। दैट्स वाई दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आता है। पाइथन में सीधा सा फंडा है, पेरेंट के सभी फीचर्स चाइल्ड में इनहेरिट होकर के आते हैं। टू क्रिएट ए चाइल्ड क्लास विच इनहेरिट्स फंक्शनैलिटी फ्रॉम पेरेंट्स क्लास वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। तो जब हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं जो किसी पेरेंट से फीचर्स को इनहेरिट कर रही है, तब हम ये सिंटेक्स यूज करेंगे। देखिए, क्लास कीवर्ड, उसके बाद में क्लास का नेम, यानी जो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस में जिस क्लास से हमें फीचर रिसीव करके लाने हैं, खींच करके यहाँ पे लाने हैं इस क्लास के अंदर, मतलब इस क्लास का पेरेंट जिसे बनाना है, उस क्लास का नाम हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। बाकी इस क्लास का खुद का जो कोड है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई ए नाम से। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा कोडिंग नहीं होगी, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है हमें, फिर हम लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं धीरे धीरे। पहले सिंटेक्स एंड कॉन्सेप्ट को लर्न करना जरूरी है। यहाँ हमने डिफाइन किया आउटपुट नाम का फंक्शन, सेल्फ पैरामीटर रख दिया एक सिंपली। ध्यान रखिएगा, सेल्फ पैरामीटर नहीं रखते हो तो वो कुछ अलग टाइप के मेथड बन जाते हैं डायरेक्टली, है ना। वो हम लेटर ऑन वीडियोस में लर्न करेंगे कि अगर हम सेल्फ पैरामीटर यूज नहीं करते तो किस तरह के फंक्शन बनते हैं। खैर, और इस आउटपुट में हमने सिंपली प्रिंट करा दिया हेलो फ्रॉम क्लास ए। नाउ हमने क्लास डिफाइन करी बी, जिसका पेरेंट हमने स्पेसिफाई कर दिया ए। बी क्लास को हमने खाली छोड़ा है, पास लगा के छोड़ दिया, मतलब इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है खुद की, बट चूंकि ये इनहेरिट हो रही है किससे, ए क्लास से, तो इसके अंदर आउटपुट वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऑटोमेटिकली आ रहा है, हम कैसे मान ले, हम तो नहीं मानते। बिल्कुल, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमने ओबीजे एक वेरिएबल बनाया और उसमें असाइन कर दिया बी क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें पता है क्लास का नेम लिख के पैरेंथेसिस जब लगाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है ना। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, वो ओबीजे में स्टोर हो गया। नाउ मैंने ओबीजे के थ्रू आउटपुट को कॉल किया। अब भी अगर इनहेरिट होकर के नहीं आता तो आउटपुट में एरर देता कि आउटपुट नाम का कोई फंक्शन बी क्लास के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आएगी, उसकी बजाय आउटपुट फंक्शन कॉल हो जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो फ्रॉम क्लास ए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इनहेरिट होकर के पेरेंट क्लास का फंक्शन है, इसलिए कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। इस कोड को हमने कॉपी कर लिया, सबलाइन स्टार्ट करते हैं। सबलाइम में हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ हमने कोड को पेस्ट कर दिया है सिंपल, कंट्रोल एस सेव करने के लिए। नाउ प्रॉपर फोल्डर में हमें जाना होगा जहाँ पे सेव करना है, तो
हमेशा सेव करता हूँ बैचेस में, पाइथन में, यूट्यूब फोल्डर में। यहाँ हमने नाम दिया फाइल को सिंपल इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। फाइन, ये फाइल सेव हो गई। नाउ एग्जीक्यूट करना है तो राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर ऑप्शन चूज किया, एड्रेस बार में गए फाइल एक्सप्लोरर में, सीएमडी प्रेस किया, सीएमडी लिख करके एंटर मारा। नाउ पाइथन कमांड, फाइल का नेम क्या था, सिंपल इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। मैसेज आ गया हेलो फ्रॉम क्लास ए, ये इनहेरिट होकर गया है। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे बी के ब्रैकेट में ए मेंशन नहीं करता, इसका मतलब बी की कोई पेरेंट नहीं है, बी में हमने आउटपुट फंक्शन भी नहीं बनाया है, और मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ में आउटपुट कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी अपने को क्या देगा, एरर देगा, बी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आउटपुट। फाइन गाइज, समझ आई इनहेरिटेंस की पावर, इनहेरिटेंस की वर्किंग? ठीक है, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल क्लास बी डज नॉट डिफाइन इट्स ऑन मैथड, इंस्टेड इट इनहेरिट्स द मैथड आउटपुट फ्रॉम क्लास ए। यहाँ बी क्लास ने खुद ने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, ये क्लास ए से आउटपुट फंक्शन को रिसीव कर रही है, और आउटपुट वाला जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का यूज, यानी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड को यूज में लेना। सो गाइज, टू कॉल द अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑफ पेरेंट, वी यूज पेरेंट क्लास नेम। जब भी हमें चाइल्ड क्लास के अंदर इनिट में पेरेंट के इनिट को कॉल करना है, तो हम पेरेंट के इनिट से पहले, मतलब इनिट से पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के नाम को यूज में लेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर इन इनहेरिटेंस। तो नीचे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से इनिट फंक्शन हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। तो यहाँ पे जो हम क्लास हायरार्की यूज कर रहे हैं उसमें पर्सन हम एक पेरेंट क्लास रखेंगे, उससे डेराइव करके हम बनाएंगे स्टूडेंट क्लास। इन द अबव डायग्राम द पर्सन इज द पेरेंट क्लास एंड स्टूडेंट इज द चाइल्ड क्लास। द स्टूडेंट गेट्स द फीचर फ्रॉम द पर्सन। द चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट हैव इज ए रिलेशनशिप। सो अबव डायग्राम में पेरेंट जो है वो पर्सन क्लास है, और चाइल्ड जो है वो स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट जो है वो फीचर्स रिसीव कर रही है किससे, पर्सन से। अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में, चाइल्ड और पेरेंट के बीच में हमेशा रिलेशनशिप होती है, इज़े की रिलेशनशिप। बहुत बार वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी इवन पूछा जाता है कि इज़े रिलेशनशिप क्या है। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में चाइल्ड की जो पेरेंट से रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं इज़े रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल इन द अबाउट डायग्राम वी रीड इट एज स्टूडेंट इज ए पर्सन, चाइल्ड इज ए पेरेंट, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इज ए पर्सन, और प्रैक्टिकली ये बात ठीक भी है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं व्यक्ति तो होते ही हैं, राइट। नाउ इसके लिए हम कोड करते हैं। अभी सबसे पहले हम पर्सन क्लास क्रिएट करते हैं। नाउ जो पर्सन क्लास है हमारी, उसका कोड अगर हम देखें बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, तीन पैरामीटर ले लिए, सेल्फ नेम एंड एज। सेल्फ डॉट नेम में नेम को स्टोर करा दिया, सेल्फ डॉट एज में एज को स्टोर करा दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया, प्रिंट पर्सनल डिटेल, सेल्फ एक आर्ग्यूमेंट रख दिया, बाकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज को प्रिंट करा दिया। दिस इज ओवर, ये पर्सन क्लास हमारी सिंपली खत्म हो गई है। ठीक है, इसमें कोई एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। नाउ इसके बाद में हम डिफाइन करते हैं हमारी स्टूडेंट क्लास को। तो क्लास स्टूडेंट बनाई, अब स्टूडेंट को किससे इनहेरिट करना है, पर्सन से। तो इसके ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, पर्सन। अभी देखिए यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे मैंने क्या करा, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। अब इसमें मैंने चार पैरामीटर रख दिए टोटल, और अगर सेल्फ को भी मिला दो तो पांच। कौन कौन से, नेम एज रोल नंबर और कॉलेज। नेम और एज पर्सन को रिक्वायर्ड है, जबकि स्टूडेंट के खुद के जो फीचर है वो हो जाएंगे हमारे रोल नंबर और कॉलेज का नेम। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमने लिखा पर्सन डॉट डबल अंडर स्कोर इनिट डबल अंडर स्कोर, तीनों पैरामीटर आके फॉरवर्ड कर दिए, सेल्फ नेम और एज। फाइन, इससे क्या होएगा, पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, सेल्फ नेम और एज जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टूडेंट का रोल नंबर है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमने लिखा सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल एंड सेल्फ डॉट कॉलेज इक्वल टू कॉलेज, ये इनिशियलाइज हो गए।
नाउ प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स करके हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, सेल्फ एक पैरामीटर रखा जिसमें केवल हमने कॉलेज का नेम और रोल नंबर प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा? बेसिकली स्टूडेंट क्लास के अंदर खुद का जो यूनिट डिफाइंड है वो है, पेरेंट के यूनिट को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स डिफाइन किया वो है, और प्रिंट पर्सनल डिटेल्स इनहेरिट होकर के है। ठीक है ना, अब देखिए इनिट पेरेंट का भी इनहेरिट होकर के आ रहा है यहाँ पे और इसका खुद का भी है। तो अगर हम बिना पर्सन के इनिट लिख देते, अगर सिर्फ इतना लिख देते हम यहाँ पे, तो इसका मतलब तो ये रिकर्सिव फंक्शन की कॉल हो जाती, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट करके कॉल कर रहे हैं पेरेंट के इनिट को। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं ये बात कि जब चाइल्ड क्लास के अंदर इनिट कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास के इनिट फंक्शन में से, तो उसके आगे पेरेंट का नेम क्यों लगा देते हैं, वो इसी कारण लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, नाउ वी क्रिएट स्टूडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड यूज इट। तो स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ लिखा एस इक्वल टू स्टूडेंट, पैरामीटर हमने पास कर दिया तरुण वर्मा 32 1 2 3 4 NIELIT। तो तरुण वर्मा जाएगा नेम में, एज में जाएगा 32 1 2 3 4 जाएगा रोल में, और कॉलेज के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा NIELIT। नाउ देखिए एस के साथ मैंने प्रिंट पर्सनल डिटेल्स को कॉल कराया, तो ये पर्सनल डिटेल यानी नेम और एज प्रिंट कर देगा, उसके बाद में मैंने स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट कराया तो ये कॉलेज का नेम और रोल नंबर प्रिंट करवा देगा। आइए इस कोड को भी हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहां से इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया, नाउ मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। अब एज ए नोट्स कुछ लाइंस बीच में मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई, उन्हें मुझे कमेंट करना पड़ेगा, जैसे ये लाइन एंड एक ही लाइन, दिस इज अवर कोड, पर्सन क्लास एंड स्टूडेंट क्लास डिफाइन करी है हमने जो इनहेरिट हो रही है पर्सन से, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, फिर प्रिंट पर्सनल डिटेल और प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स को कॉल किया है। फाइन गाइस, तो आइए इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। CMD हमारा स्टार्टेड है ही, एंड प्रीवियस कमांड थी हमारी पाइथन सिंपल इनहेरिटेंस डॉट पीवाई, उसे एग्जीक्यूट कर दिया हमने। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा बेसिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट गाइस। इसमें हमने देखा किस तरह से हम चाइल्ड क्लास डिफाइन करते हैं, और दूसरा हमने जो कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरह से चाइल्ड क्लास के यूनिट में से पेरेंट के यूनिट को कॉल करके पेरेंट ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो गाइज, होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके इस वीडियो पे मेरे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।